हाय गाइस, संजय सिंह हियर। गाइस, जैसे कि आप लोग चार्ट पे देख रहे हो, चार्ट के अंदर हमारा जो मार्केट है वो एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। सो अभी जो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी का चार्ट है। हम लोग निफ्टी के स्पॉट पे देख लेते हैं स्पॉट में क्या हो रहा है। सो ये एक रेंज है जहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। सो एग्जिट हम लोगों ने लोअर रेंज यहाँ पर टेस्ट किया और अभी हम लोग हायर रेंज के आसपास जा रहे हैं। और ये जो ट्रेंड चल के आ रहा है इसमें भी एक ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से और इसको जस्ट मैं नीचे तक एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट में यहाँ आपको दिखेगा, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो प्राइस है वो एग्जैक्ट टच होती हुई दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद में फिर से मार्केट ने बाउंस किया, तो हम लोग ये रेंज जो पुराना रेंज चलते हुए आ रहा है हम लोग उसी को प्रीफर करेंगे। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखो तो एग्जैक्ट इसी पे मार्केट ने जब यहाँ पर गैप अप के साथ में मार्केट ओपन हुआ ओपनिंग के बाद में एग्जैक्ट उसने वही रेंज को टेस्ट किया, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड जो है अभी मार्केट के अंदर चलते हुए आ रहा है। आज के दिन में थोड़ी गिरावट हमको दिख रही है, उसका रीजन भी हम लोग समझते हैं क्यों वहां पर ये गिरावट हमको दिख रही है। तो हम लोग अभी 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम हम लोग चलते हैं समझने के लिए कि आज की गिरावट क्यों हो रही है मार्केट के अंदर। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पर भी एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है यहां पर भी एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो ये एग्जैक्ट एक ट्रेंड है कि मार्केट अभी इस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। सो अगर आप देखो तो एग्जैक्ट हायर रेंज को मार्केट ने टेस्ट किया और वहां से फिर अभी लोअर रेंज को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप अगर यहां पर एक बार समझोगे इसको, तो मार्केट ने हाई बनाया, अगेन लोअर रेंज को टेस्ट करने के लिए आया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर रेंज को टेस्ट करने के लिए आया, फिर हाई बनाया, अभी अगेन ये लोअर रेंज को टेस्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट आज या कल में फिर से एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने को। उसका रीजन क्या है, अगेन आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है। तो यहां पर ये जो रेंज है वो पेंडिंग है, मतलब ये जो हायर रेंज जो है वो अभी पेंडिंग है। मार्केट कहीं ना कहीं पर इस रेंज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है जो कि है अराउंड 19,500। हम लोग बात कर रहे हैं स्पॉट की। अभी यही रेंज अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो फ्यूचर के अंदर जो रहेगी वो रेंज रहेगी अराउंड 19,540 के आसपास की, ठीक है। सेम चीज अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस से। तो यहां अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही लेवल्स है। मैं थोड़ा सा ये जो मेरी मार्किंग्स है जिसके थ्रू मैंने आज ट्रेड किया था मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, है ना। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड चलते हुए आ रहा था मार्केट के अंदर। मार्केट ने अपना हाई रेंज से गिरना स्टार्ट किया, लोअर रेंज से अगेन बाउंस, ठीक है। यहां पर ये किए थोड़ा इसने ऊपर की तरफ जाने का स्टार्ट ये दिया, ये हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ये चीज हुई क्यों थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज चल रही थी तो उसके वजह से ये इसने ये रेंज ब्रेक किया। अगेन मार्केट इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है और जब भी फिर से ट्राई किया ऊपर जाने को तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने यहां से एक अच्छी खासी गिरावट दी, ठीक है। अभी हम लोग हायर रेंज की तरफ जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो मे बी हम लोग अगर ये एक बार रेंज ब्रेक करता है मार्केट तो ये वाली रेंज को टेस्ट करने के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है अगेन वही जो सेम चीज हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट ने लो रेंज को टेस्ट किया, हाई रेंज को के लिए आया, फिर अगेन लो रेंज को टेस्ट किया, फिर हाई रेंज की तरफ, ठीक है। अभी फिर से हम लोग लो रेंज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसने हायर रेंज को टेस्ट किया और लो रेंज के लिए आ रहे हैं। अभी ट्रेंड के अंदर हमको एक और ट्रेंड ये दिख रहा है कि यहां पर जो ये हायर रेंज को मार्केट जो टेस्ट करते हुए आ रहा था, ये जो रेंज थी जिसने हाई रेंज को टेस्ट किया था मार्केट ने, उसी हायर रेंज को अगर आप यहां देखो इसको टेस्ट करते हुए देखोगे तो यहां पे ये जो ट्रेंड है, ये जो लाइंस है, इसी को टेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। यहां पर प्राइस इनको जस्ट टच करके नीचे की तरफ गिरने का ट्राई कर रही है। सो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे यहां पे तो एक लाइन में यहां पे और ड्रॉ करता हूं। तो आपको देखो क्या होता है कि मोस्टली टाइम पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी है बिल्कुल टच करते हुए। हमको ट्रेंड लाइन टच करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ट्रेंड लाइन टच हो रही या नहीं हो रही उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि जब प्राइस तरीके से मूव कर रही होती है, हायर है या लोअर लो बना रही है, तो बहुत सी बार वो कुछ स्विंग हाई बनेंगे, कुछ स्विंग लो साइड में भी बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमको समझना ये कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, हायर राइज बनाते हुए जा रही है, इट मीन्स अप ट्रेंड है। प्राइस लोअर लो बनाती हुई आ रही है, इट मीन्स डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग है, ठीक है। यहां अगर आप देखो तो ये इस वाले स्विंग हाई ने टच नहीं किया, लेकिन
जब इसने लो बनाया तो वो लो जो था वो प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ था। तो ये चीजें हमको समझनी है। सो अभी अगर आप देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं पर रिजेक्शन ले रहा है। अभी ये रिजेक्शन क्यों ले रहा है, ठीक है, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन का बात किया। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट है मार्केट को, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। तो ये एरिया अगर मार्केट निकाल पाता है नीचे की तरफ तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है वो अपना लोअर रेंज को टेस्ट करने के लिए आएगा ट्रेंड लाइन के आसपास में, जहां पर हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और आप यहाँ पे देखोगे मार्केट के अंदर, इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको मार्केट में बाउंस आते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पर आपको दिखेगा मार्केट ट्राई करेगा फिर से लोअर रेंज को, आज एक अच्छा सा शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। कल भी हमको एक सेलिंग मिला देखने को और आज मॉर्निंग से शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मार्केट एक बार रिस्पेक्ट ले सकता है, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है और यहाँ से एक बार बाउंस हमको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बाउंस आएगा। और अगर ये एरिया के आसपास में आता है और वहां पे कहीं पे रिवर्सल मिलेगा तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि एक बार हम लोग ये रेंज को टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो मतलब ये रेंज हमारी रहेगी अराउंड इस एरिया के आसपास। सो यहाँ पे कहीं पे 43,900 44,000 को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है, मे बी दिवाली तक ये टेस्ट कर ले, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। सो गाइज आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको सीखने को। और यहाँ जो हम लोगों ने डिस्कस किया है चार्ट के ऊपर, मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, आप उसके बिहाफ पर कोई भी ट्रेड ना लें, समझने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन पर्पज़ से मैंने आपको ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए क्यों मार्केट के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने RSI के ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये इन सब चीजों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये किस तरीके से काम करती है। एंड गाइस जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में हम लोग और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। स्पेशली हम लोग बहुत सारे चार्ट्स पर डिस्कस करेंगे, F&O के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स पे, टॉप गेनर स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप लूजर स्टॉक्स कौन से हैं, ठीक है, और कौन सा स्टॉक्स आप लोग अपने स्टॉक्स को भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे आप लोग चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।